नमस्कार दोस्तों, थाउनेस बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट जब से लागू हुआ है तब से लेकर कई बड़े ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी का 25,000 का चालान कटा, तो किसी का 2.5 लाख का चालान कटा, तो किसी का 6.5 लाख तक का चालान कटा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो बात सुनकर आप चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, एक शख्स ऐसा है जो बिना हेलमेट के ही सड़कों पर निकलता है दोस्तों, फिर भी उसे पुलिस नहीं पकड़ पाती है। दोस्तों भी ये सारी बातें क्या है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है तब से ट्रैफिक नियमों को लेकर खूब हल्ला मचा हुआ है। बिना हेलमेट चलने वाले लोगों से लेकर बिना सीट बेल्ट के चलने वाले लोगों तक के खूब चालान काटे जा रहे हैं। एक लागू होने के बाद लोग सुरक्षा ना सही डर के मारे तो हेलमेट जरूर लगाने लगे हैं, मगर एक शख्स अभी भी हेलमेट नहीं लगा रहा है। दरअसल गुजरात में हेलमेट और चालान को लेकर एक बड़ा ही विचित्र मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के बिडेली कंबे के रहने वाले जाकिर मेमन को पुलिस ने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया। लेकिन जब जाकिर ने अपनी मजबूरी बताई तो पुलिस ने भी माथा पकड़ लिया कि आखिर करे तो क्या करे। दोस्तों, मीडिया के मुताबिक जाकिर के पास गाड़ी से संबंधित सभी कागजात थे सिवाय हेलमेट के। पुलिस ने जब जाकिर से जुर्माना भरने को कहा तो उसने बताया कि वह हेलमेट नहीं पहन सकता है। उसने अजीब सी दिक्कत बताई। जाकिर ने कहा कि बाजार में मिलने वाला कोई भी हेलमेट उसके सिर पे नहीं आता है। दोस्तों, जाकिर ने पुलिस को बताया कि उसने शहर की लगभग सभी दुकानों में हेलमेट देख लिया है, लेकिन उसके सिर के हिसाब से कोई भी हेलमेट अभी तक नहीं मिला। जाकिर के मुताबिक वो कानून की बहुत इज्जत करते हैं लेकिन वह मजबूर है। अब पुलिस भी नहीं समझ पा रही है कि इस मामले में क्या किया जाए। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।